कभी जिसे बेकार मानकर ठुकरा दिया गया था, आज वही जमीन जिले की पहचान बन रही है। खुर्जा, जिसका मतलब है खारिज किया हुआ। दलदली जमीन होने के कारण यहाँ खेती संभव नहीं थी, लोग बेरोजगार थे। फिर विकास हुआ एक कला का, जिसने धीरे धीरे यहाँ के लोगों की दशा बदल कर रख दी। इस कला ने खुर्जा को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी पहचान दिला दी। ये चीनी मिट्टी के बर्तन और उन पर की गई रंग बिरंगी कारीगरी हमें अनजाने ही खुर्जा की गलियों में पहुंचा देते हैं। आप शायद खुर्जा के नाम से वाकिफ न हो, लेकिन यहाँ के बने चीनी मिट्टी के बर्तन और खिलौनों का इस्तेमाल जरूर किया होगा। इस शहर में चीनी मिट्टी के बर्तनों की 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनकी बदौलत जिले के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस उद्योग से न सिर्फ पॉटरी की कला का विकास हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी बेहतर हो गई। लगभग 10 साल हो गए, अब पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। पहले थोड़ा उतार चढ़ाव आता था, कम सैलरी मिलती थी, थोड़ी रुक रुक कर मिलती थी, अब लेकिन अच्छी मिल रही है, लेकिन अब काफ़ी लाभ मिला है। और मैं सरकार का धन्यवाद चाहूँगा कि हमारा ऐसे काम चलता रहे। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। सो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के कारोबार को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। लगभग 80 साल बाद आज यह उद्योग उस मुकाम पर है जिसकी कल्पना शायद ही कभी किसी ने की होगी। यहाँ की फैक्ट्रियों में बुनियादी ढांचे की कमी है, यहाँ के लोग बिजली और पानी की समस्याओं से घिरे हैं। इसके बावजूद भी देश की आधी से ज्यादा चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन यहीं से होता है। ऐसे में सरकार अगर थोड़ी मदद और कर दे तो यह उद्योग विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाइना को टक्कर देने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत थी, जिसमें एक चीज़ हमको मिल गई है और एक और मिलने की आशा है। उसमें जो हमारा फ्यूल है, जो हम गैस यूज़ करते हैं, उस पर डबल टैक्स लगा हुआ है। तो उन्होंने शायद हमें आश्वासन दिया, अगर वो टैक्स और हमें रिबेट मिल जाएगी हिंदुस्तान में या यूपी में, जो टैक्स की दर और शहरों में है वही टैक्स की दर हम अपने शहर में चाहते हैं, वो टैक्स की दर होने पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, निश्चित रूप से चाइना को हम पछाड़ पाएंगे। देखिए, GST आने के बाद थोड़ा मार्केट में एक स्लोनेस आई थी, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होने से उद्यमियों में विशेष रूप से ऊर्जा का संचार हुआ है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अपना प्रोडक्ट कम कीमत पर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के युग में निश्चित रूप से भारत को विदेशी मुद्रा की आय का साधन सुनिश्चित करेंगे। योगी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फॉर्मूले को इस कारोबार के लिए संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। इस कारोबार को और आगे ले जाना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। पटरी उद्योग अब थोड़ा सा संभला हुआ है, बीच में कुछ हालात ठीक नहीं थे। अभी हमने यहाँ पे सभी लोगों से बातें करी और यहाँ के मालिकान भी खुश हैं, कर्मचारी भी खुश हैं। कहना है इन लोगों का कि सरकार ने जो कुछ सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई हैं और जो एक चाइना से टक्कर देने के लिए जो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। वहीं उपभोक्ता को भी माल ठीक से मिल पाएगा। वहीं जहां ये पॉटरी दम तोड़ रही थी वहां फिर से एक बार यहां ये रोशन है। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, बुलंदशहर।